चल के बारिश हो रही है सुबह सुबह भाई ना जो जेडी टीम जीती फाइनल बदल सी हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह सुबह माशाल्लाह जी सुबह सुबह रब की रहमत हो रही है हल्की 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 माशाला जी इधर भी देखो बाकी उपरली साइड के बदल तुम देखो बाबा जी इधर ही सही है रात सारी इधर बदल ही रहे हैं बाकी बदलों की वजह तो धुंद नहीं पई बाकी एक बारिश जी है ना वो हल्की हल्की होना शुरू हो गई है तो एक दफा तुम बाहर का नज़ारा चेक करवाइए सुबह सुबह माशाला जी हाँ वेखो इंदे नाल ना धुंद नहीं पई तो बदलों के नाल दूर दूर तक नज़र आना शुरू हो गया और भाजी क्या हाल है जी ठीक हो तो माशाला जी बच्चे भी स्कूल जाने शुरू हो गए आप हम तैयार हुई है तो चलिए ड्यूटी से रह गया मोटरसाइकिल फिट करने वाला यह देखो माशाला जी रंग बिल्कुल खुश्क हो गया राती दो घंटे पखा चलाया तो बाबा जी फिर इन्हू खुश्क किया मैं इन बहर खिलार देता तो बारिश होता है भी हूँ जल्दी जल्दी ना इन फिट करिए फिर ड्यूटी से भी जाना हूँ ना वेखो छाव कि सोहनिया लगन दिया पी ए भी बिल्कुल कला कला ब्लैक तो इधरों भी कला बॉडी भी सारी होगी हूँ सीट जो चक्के पैणगे फिर बड़ा कम सैट होएगा फिर सोने लगने बाबा जी तो हम मैंने जल्दी जल्दी इन फिट कर लो जी दोस्तों तुहाडे भरा ने मोटरसाइकिल बाबा जी फिट कर दी है देखो माशाला जी मोटरसाइकिल सीट भी लाती टैंक भी लाती टापे भी लाते हर शाय ओके मोटरसाइकिल स्टार्ट हूँ सिर्फ पिछला टायर पेंचर है इन जल्दी जल्दी इतना दाल स्टाफ की दुकान है पेंड ही नुकर से इतों पेंचर लगाइए फिर जाने ड्यूटी से हाई नाश्ता करना मैं नाश्ता करने तो बाद फिर तुम बाद मिलने फिर मैं जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल ले आवा तो उतवा के नाश्ता करते हैं तो फिर बाबा जी लगता मैंने बारिश ही जाना पैना हल्की हल्की बारिश कभी हो जाती है कभी रुक जाती है इधर मैं मतलब रेसा दे हट जा पुत देखो इधर सारा इधर पिछली साइड तो बदल नहीं है इन्नी की जगह पर बदल ही बदल है बाबा इधर सारे ही बदल बदल ए देखा पता कभी कभी बारिश होता पे नहीं कभी रुक जाती है आखिरी सावां ते मैच पहुंचा तो सारे जने बहुत जोश जज्बे नाल बाबा जी लगे हुए है इधर रौला पै गया वेखो अल्लाह खैर करे की बनता है तो स्कोर रह गया 15 सिर्फ सेमीफाइनल क्योंकि मैं आया नहीं ना मैं तो हुणे आया ग्राउंड दे तवे जी बाबा जी जो जिहड़ी टीम जीती फाइनल शाबा बच्चे शाबा 13 रह गया अभी 13 सेमीफाइनल हो रहा साडे ग्राउंड दे साडे पिंड दी टीम दा ते नाल 244 ते बड़ा मजा आ रहा 244 ने पहले 20 ओवर 188 बनाया सी साडी टीम अलहम्दुलिल्लाह चेज कर चली है तकरीबन विकटां काफी गिर गईयां पर आखिरी सावां ते मैच आ ते अच्छा जिहड़ी टीम जित्ती उन्हें फाइनल खेलना मैच दा बहुत मजा आ रहा बाकी बदल वेखो उपर ते ग्राउंड दे रौनक तुसीं वेखो माशाल्लाह इस टीम इस साइड ते सारा साडा पिंड आ साडे प्लेयर आ ते ए बाहरों शायकिन पिंड दे देखण आया उधर लाइव चलदा पिया बाबा जी ओह उधरली साइड ते 44 दी जिहड़े आए आ बाहरों मैच वेखण ते ए बाबा जी विच साडे अमर भाई ते मदसर भाई बैटिंग करदे पए आ सा दो रुके हुए पता नहीं की बन जाना फरूक भाई दवावा कर रहे फरूक भाई दवावा करो जल्दी जल्दी टीम पिंड जित जे शाबा भाई शाबा यार चौहा मेरी दो हो गया भाई पिछावा दो अठ रह गया चार रह गया बाबा जी चार स्कोर रह गया साडी टीम फाइनल च पहुंच जानी अलहमदुलिल्लाह जी चार रह गया चार हाँ जी दोस्तों बड़ा ही मैच होया बाबा जी 188 चेज करना 20 बड़ी गल होंगी है अलहमदुल्ला साडे पिंड की टीम चेज कर चली है सिर्फ दो स्कोर रह गया बॉलर आया जी ओए होए होए मैं तो क्या आया 6 इतने पर बचत होगी
ਦੋ ਸੁਦਾ ਦਾ ਲੋਈ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੱਲੇ 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 ਲੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਿਫਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਭਾਈ मुबारक होवे तुहाडी टीम जित गई आया मजा मुबारक हो मैच जित गए चलो दोस्तों अलहमदुल्ला जी मैच जितने की खुशी है सारी टीम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया तलावत की है उस तो बाद जी हूँ करो फोटो होने लगे चलो जी चलो शाबाश 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 बैठो हाँ जी दोस्तों अलहमदुल्ला जी मैच जितया तो बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया शेख साहब ने आज बहुत बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग की माशाल्लाह बहुत मजा आया शेख साहब तक दफा फिर बहुत बहुत मुबारक अज तो छक्के बाबा जी कमाता जी रखे सारे बंदे माशाल्लाह जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने जी माशाल्लाह साडी टीम सैमीफाइनल जीत के फाइनल च पहुंच गई है तो कल साडा जी एक होर टीम है साडे लागे दी उहदे नाल मैच है तो किन्ने बजे मैच शुरू कर रहे जी सर इंशाल्लाह 10 तो 11 बजे कल संडे ही है इंशाल्लाह ताला देखांगे लाजमी तो सर एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारक होवे ओके जी अल्लाह हाफिज़ करो जी गपशप अपनी टीम ना हुण A few moments later उते मेरा मोटरसाइकिल खलोदा उते चक्के बदला रहे हैं ते वो ले के फिर उन्हें घर उत्ते बाद जाना मेरा बे ते बाबा जी पर एक अल्लाह का शुक्र है कि साडी टीम जिहड़ी है ना जीत गई चाचा आया मजा अज मैच दा इरफान ते असद ने माशाला चंगा स्कोर बनाया बाबा जी अल्लाह का शुक्र है टीम फाइनल पहुंच गई है कल फाइनल 10 बजे बाकी हूं मैच तो मोह गया अपने काम भी कर लिए मुरबे पट्ठे भी लाइए जा पट्ठे जरूरी है हाँ जी दोस्तों मैं गया दुकान से मोटरसाइकिल लैन तो कह रहे हैं बाबा जी हजे तकरीबन कोई टाइम लगना है 15-20 मिनट तो मैं हूँ चला मुरबे तो शाम को आके फटांगे मोटरसाइकिल A few moments later ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇਤੇ ਪੱਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਉਧਰ ਤੂੜੀ ਖੜਦੇ ਆ ਉਸ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਲ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਠੇ ਬੰਨ ਲਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਗਈ ਤੂੜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਐ ਤੇ ਤੂੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਦਲ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਹਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੱਦਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੂੜੀ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ A few moments later ਬੰਦੇ ਰਹੀਮ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ
ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਨੇ ਚੱਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈਏ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੱਕੇ ਪਵਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਡਾ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੈਨੂਇਨ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਟੂਪ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਗਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੱਕੇ ਬਦਲਾ ਲਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਘਰ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ।